ने 45,000 अफराद जो हैं वो बैठ सकते हैं। इंतजामिया 15,000 के करीब कुर्सियां मैदान में लगाई जा सकती हैं, जबकि इंतजामिया का यह भी कहना है कि पीटीआई पिंडाल में ज्यादा से ज्यादा 60,000 अफराद शरीक हो सकते हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं 7 न्यूज की नुमाइंदा वेलरिंग एंड्रयूज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज यहाँ से जो जलसागा से खिताब करेंगे। यहाँ पर कारकुनों की बात करें तो कारकुनों की भी बड़ी जो वो अभी से जो वो यहाँ पे हॉकी स्टेडियम में जो वो आना शुरू हो गई है। गर्मी बहुत दिखी जा रही है, लेकिन लोगों का जोशो जज्बा और प्यार मोहब्बत जो है वो अपने चेयरमैन के लिए, अपने जो कायद के लिए वो जो देखा जा रहा है कि अभी से गर्मी शदीद गर्मी में जो वो शहरियों ने आने का सिलसिला शुरू किया गया है। अगर यहाँ के इंतजाम के हवाले से बात करें, खासकर यहाँ पर जो 8 वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, खवातीन के लिए सिर्फ एक गेट लगाया गया है। और खवातीन की बात करें तो खवातीन के लिए एक गेट लगाया गया जो कि फीफा स्टेडियम से जो खवातीन की एंट्री है। इसके साथ साथ अगर मर्द हजरात की बात करें तो मर्द हजरात जो वो लिबर्टी चौक वाली साइड से जो उनकी जो एंट्री बनाई गई है। इसके साथ साथ यहाँ के हवाले से बात करें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ जो खुदनोक जो तारे हैं वो भी जो वो लगाई जा रही है। इसके साथ साथ जो वो जो लोग आ जा रहे हैं खासकर उनको एक एक को जो अच्छे तरीके से जो वो चेक भी किया जा रहा है, एंट्री गेट से भी, उसके साथ साथ जो पीछे से भी आते हुए जो वो लोगों को चेक किया जा रहा है। अगर इनकी तादाद के हवाले से बात करूँ तो पुलिस के एहलकार है जो 5,000 के करीब जो है वो पुलिस के एहलकार को जो इस वक्त यहाँ पर आज के लिए जो वो तैनात किया गया है। इसके साथ साथ अगर स्टेज की बात करें तो स्टेज भी जो है वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है। मेरे पीछे आप देख सकती है कि स्टेज भी जो वो काफ़ी बड़ा तैयार किया गया है, जहाँ पर जो वो तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा के साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो वहाँ से जो है वो अपने कारकुनों से खिताब करेंगे। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 100 फुट जो लंबा जो वो स्टेज जो वो तैयार किया गया है। इसके साथ साथ जो वो सिक्योरिटी के भी बहुत अच्छे से इंतजाम किए गए। अगर यहाँ की कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर जो सीटिंग की कैपेसिटी है, यहाँ पर जो अर्थ केयर जो है वो चेयर्स लगाई गई, इनकी जो कैपेसिटी है वो 45,000 जो कैपेसिटी है। इसके साथ साथ अगर वो चेयर्स की बात करें जो खुद यहाँ पर आज लगाई गई है, उनके जो वहाँ पे तकरीबन जो है वो जो 20 से 25,000 जो वो चेयर्स भी लगाई गई हैं। जो हॉकी स्टेडियम के जो इंतजामिया है उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो वो लोगों के समाने की, यहाँ पर लोगों की जो तादाद जो है वहाँ पर समा सकती है वो जो है वो 60,000 के करीब जो है वो समा सकती है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो वो दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर जो वो 1,00,000 के करीब जो है वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, देखना क्या होता क्या है, शाम को क्या होगा, ये तो सिर्फ रात को ही पता लगेगा। लेकिन तहरीक इंसाफ की जम से ये दावा किया जा रहा है कि 1,00,000 से ऊपर तादाद जो है वो यहाँ पर बैठ सकती है और हमारे यहाँ पर लोगों की तादाद जो है वो इससे भी ज़्यादा होगी। तहरीक इंसाफ ने जो है वो पाकिस्तान भर से जो है वो लोगों को यहाँ, शहरियों को यहाँ पर आने की जो वो दावत दी है और आज उनकी जम से कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की 75वीं जो आज़ादी है वो बहुत खुशी से मनाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो है वो 11 बजे के करीब जो है वो यहाँ पर जो कारकुनों से खिताब करेंगे। इसके साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जलसागा का वक्त जो है वो 7 बजे का दिया गया है। 12 बजे के बाद यहाँ पर जो आतिशबाजी भी की जाएगी और जो वो पाकिस्तान की 75वीं जो सालगिरह है, आज़ादी है, वो इमरान खान खुद यहाँ पर आकर जो है वो लोगों के साथ मिलकर उसको सेलिब्रेट करेंगे। जी।